फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गेस्ट अकाउंट को रिकवर कैसे करना है, हाउ टू रिकवर फ्री फायर ऑल्ड गेस्ट अकाउंट। मान लिया जाए कि आपके पास एक गेस्ट अकाउंट है जो कि लॉस्ट हो गया आपका, वो खो गया और किसी कारण वो आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। कितना भी आप लोग कोशिश कर लो फ्री फायर का गेस्ट से लॉगिन कर लो, बट आपको जो वो आईडी नहीं मिल रहा है, वो आईडी नहीं लॉगिन हो रहा है और आपका जो आईडी काफ़ी ज़्यादा रेयर आईडी है, आपने बहुत ही ज़्यादा खर्च किया है। बट आपको कोई टेंशन नहीं लेना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जो पुराने वाले गेस्ट अकाउंट को वापस लाने का तरीका बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखना, मैं आप सभी को वीडियो में आगे बताऊँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नहीं होता तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे बताना है कि जो भी आपका गेस्ट अकाउंट लॉस्ट हुआ है वो आपका जो लेवल है उसका कितना लेवल का आईडी था, तब मैं आपको यहाँ पे चलिए बताता हूँ कि जो आपकी आईडी को आप लोग वापस किसे ला सकती हो। कितना भी रेयर आईडी हो ना उसको आप लोग वापस ला सकती हो, बट जो स्टेप को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उस स्टेप को आपको फॉलो कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आगे बता देता हूँ। फ्री फायर ओल्ड गेस्ट अकाउंट को रिकवर करने के लिए, वापस लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे जो क्रोम ब्राउजर का यूज करने वाला हूँ, लिटरली जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे यहाँ पे सर्च बॉक्स में करना है फ्री फायर हेल्प सेंटर। तो जैसे आप लोग इसको सर्च करोगे आपके सामने कि आप एक साइट ओपन हो जाएगा, जो सबसे फर्स्ट वाला साइट है ना उसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा चार, ठीक है, अनाउंसमेंट है, अकाउंट इशू है, गेम कॉन्सर्न है, पेमेंट इशू है। तो जो भी जिससे भी रिलेटेड आपका इशू है ना उस पर आप लोग को क्लिक करना है। मेरा यहाँ पे इशू क्या है, अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट इशू वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अकाउंट इशू से रिलेटेड बहुत सारे आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या चूज करना होगा, लॉस्ट गेस्ट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा उस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पे गरेना के द्वारा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इस आर्टिकल का क्या मीन्स है, क्या मतलब है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा हुआ है, गेम डाटा ऑफ योर गेस्ट अकाउंट इज स्टोर्ड इन योर डिवाइस। इसका मीन्स है कि गेम का जो भी डाटा होता है, जो भी गेस्ट अकाउंट से आपने लॉग इन करके रखा हुआ है, वो आपके डिवाइस में ही स्टोर रहता है, ना कि ये जो गेम के सर्वर में स्टोर रहता है। आपका जो डिवाइस है ना उसी में जो गेस्ट अकाउंट का जो भी यहाँ पे डाटा होता है वो वहाँ पे स्टोर रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आपका गेम डाटा जो भी डिवाइस से डिलीट हो जाता है तो आप लोग किसी भी वे में कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि जो कि अपने अकाउंट को गेस्ट अकाउंट है जो कि वापस ला सकती हो, बट आपके जो एक डिवाइस में ये जो गेस्ट वाला जो गेम डाटा है वो यदि आपके फ़ोन में स्टोर होगा तो आप लोग का जो गेस्ट अकाउंट बच जाएगा उसको आप लोग रिकवर कर सकती हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो यहाँ पे गेम का जो डाटा, गेस्ट अकाउंट का जो डाटा है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो गेस्ट अकाउंट के लिए जो गेम डाटा होता है जो स्टोर रहता है वो कहाँ पे रहता है। यहाँ पे लिखा आ रहा है वाज दिस आर्टिकल हेल्पफुल, तो यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना है जो कि यहाँ पे गेम का कुछ राइटिंग को देता है। यहाँ पे आपका यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आकर के आप लोग एस कर देना। अब मैं आपको यहाँ पे चलिए बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अगला क्या करना होगा। इस गेम डाटा को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपने फोन के फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा और जिसे आप लोग ओपन करते हो फोन मैनेजर में जाना होगा। लिटरली आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जिसे आप लोग स्क्रॉल करोगे com.garena.msdk, ठीक है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे में यहाँ पे 9 फाइल्स दिखा रहा है और आपके फोन में यदि आपके डिवाइस से 9 फाइल्स दिखा रहे हैं ना, इस केस में आप लोग कोई भी वे में जो आप लोग अपने गेस्ट अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकती हो। लेकिन यदि आपके यहाँ पे गेस्ट के नाम से एक यहाँ पे स्टोर होगा, एक डाटा स्टोर होगा, वो यदि आपके डिवाइस में यहाँ पे शो कर रहा है, आपको जो ये काम हो गया है आप लोग अपने गेस्ट अकाउंट को रिकवर कर सकती हो। मीन्स मेरे कहने का मतलब कि यदि आप लोग com.garena.msdk में आती हो, गेस्ट के नाम से एक फाइल देखने को मिलेगा, यदि आपके डिवाइस में अवेलेबल है तो अब आप लोग यहाँ पे अपने गेस्ट अकाउंट को रिकवर कर सकती हो। अब मैं यहाँ पे आपको जो गेस्ट से लॉग इन करके दिखा देता हूँ। लिटरली आप लोग देख सकते हो गेस्ट वाले पे मैं क्लिक किया और मेरा आईडी यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। बट आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे जो मेरे फाइल वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं था, ये जो गेस्ट अकाउंट लॉग इन कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं जो गेस्ट अकाउंट मेरा है ना वो लॉस्ट नहीं हुआ था। मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यदि आपका गेस्ट अकाउंट लॉस्ट हो जाता है तो आप लोग अपने गेस्ट अकाउंट को इस तरीके से लॉग इन कर सकती हो। आपका गेस्ट अकाउंट लॉस्ट हो जाता है तो आपका फाइल जरूर से बना होगा
और यदि आपने अपने फाइल को डिलीट कर दिया होगा तो वो फाइल जो आपको नहीं शो कर रहा होगा उसके बाद अपने गेस्ट अकाउंट को रिकवर आप लोग नहीं कर सकती हो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यदि आपको पुराना वाला गेस्ट अकाउंट काफ़ी ज़्यादा रेयर है और उसको आप लोग वापस लाना चाहते हो तो किस तरीके से वापस लाना है। लिटरली यदि आपका गेस्ट अकाउंट वापस आ चुका है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। तो फ्रेंड्स यदि आपसे को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना तो मत बोलना, क्योंकि जो भी बंदे आते हैं ना वो सबसे पहले कमेंट चेक करती है तो उनको यहाँ पे बढ़िया कमेंट मिलता है तभी वो वीडियो को वॉच करते हैं। तो यदि आपका अकाउंट वापस आ जाता है तो कमेंट एक बार करके बता देना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बोले बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।